नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। एनआईए ने किया खुलासा, भारत में बनी थी ढाका के गुलशन कैफे हमले में उपयोग होने वाली राइफलें, पाकिस्तान एक्सपर्ट ने की थी मदद। अमेरिका के शिकागो में अमेरिकन एयरलाइंस के विमान में आग लगने से मची अफरा तफरी, 170 लोगों की बाल बाल बची जान, 20 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 5 साल बाद चीन ने बौद्ध भिक्षु जिग्मे गुरी को किया रिहा, अलगाववाद को समर्थन देने के आरोप में जेल में थे बंद, लाबरांग मठ से संबंध रखते हैं गुरी। हिलेरी क्लिंटन के नए ईमेल की जांच करेगा एफबीआई, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने की एफबीआई के इस कदम की तारीफ। 2009 से 2013 के बीच विदेश मंत्री रहते हुए निजी ईमेल के इस्तेमाल पर हिलेरी मांग चुकी है माफी। और नाइजीरिया सेना ने रिहा किए 876 बच्चे, आतंकी संगठन बोको हरम से संभावित संबंधों की वजह से पकड़े गए थे बच्चे, संयुक्त राष्ट्र ने की पुष्टि। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।